मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं आपको लिए चलता हूं आज महाराज जी की अनन्य भक्त यवेट क्लेरी रोजर, यानी जिन्हें महाराज जी ने नाम दिया था राम रानी, उनकी बेटी की एक भूमिका की तरफ। राम रानी जी भारत आई, महाराज जी की भक्त बनी, भारतीय संस्कृत से, सनातन धर्म से इतनी जुड़ी कि वो भारत में ही रह गई। वीजा बढ़वा लेती थी, अमेरिका जाना था आना था। मैंने आपको उनके बारे में दो तीन वीडियो में बताया। आज हम आपको ऐसी बात बता रहे हैं जहां भारतीय संस्कृत जिनमें रच पच जाती है, समाहित हो जाती है, वहां होता क्या है। 21 नवंबर 2021 को राम रानी जी हमसे विदा ले गई हैं। उनका शव हल्द्वानी के मोर्चरी में रखा हुआ है और खबर दी जाती है कि आपकी मां नहीं रही। ये खबर उनकी बेटी टीटी शक्ति को मिलती है। शक्ति नाम भारतीय है और वो अमेरिका में टेक्सास में रहती हैं, फिल्में बनाती हैं, डायरेक्शन करती हैं, उनका प्रोडक्शन करती हैं। अब उनको जो पहले से पता है, मां से फोन पे बातचीत होती थी, उन्हें लिख के भी रखा था कि हमारा अंतिम संस्कार जागेश्वर धाम में किया जाए और सनातन धर्म से किया जाए। आप अमेरिका में हैं, मां का शव हल्द्वानी उत्तराखंड में है, जागेश्वर धाम ले जाना है, अंतिम संस्कार कौन करेगा? एक ये भी व्यवस्था हो सकती है कि हम यहां से वीडियो कॉल पर जो उनकी नजदीकी हैं उनसे कहें कि आप जागेश्वर धाम में ही आप अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, हमको वीडियो कॉल से दिखा दीजिएगा, हम आपको धनराशि भेज देते। बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा वो अमेरिका में बैठे बैठे और यहां पर अम्मा का अंतिम संस्कार करवा सकती थी। लेकिन जब भारतीय संस्कृत रच पच जाती है, हमारे ये अंक मैं उनके लिए और बना रहा हूं विशेष तौर से, जो हमारे बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, जिनके मां बाप यहां पर हैं और वो अग्नि मुखाग्नि अग्नि के लिए तरस जाते हैं, उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। 21 नवंबर 2021 को जब वो हमसे विदा लेती हैं राम रानी जी, खबर दी जाती है उनकी बेटी अमेरिका से टीटी शक्ति आती है और तब तक समय भी लग जाता है। 25 नवंबर को वो आ पाती है, 25 नवंबर को अपने मां का शव लेती है, अंतिम संस्कार के लिए जागेश्वर धाम जाती है और देर रात तक उनको मुखाग्नि देकर विदा करती है। ये एक ऐसा उदाहरण है कि अगर विचारों में भारतीय संस्कृत या अपने कर्तव्य को निभाने की शिक्षा सही तरह से है तो न तो देश की सीमाएं रोक पाती हैं, न विपरीत परिस्थितियां उन्हें रोक पाती हैं। अपने मूल्यों की रक्षा के लिए बच्चे समर्पित हो जाते हैं। तो टेक्सास से वो भारत आती हैं, मां को अंतिम विदाई देती हैं, फिर अमेरिका चली जाती है। तो मां की एक इच्छा कि जागेश्वर धाम में हिंदू रीति रिवाज से सनातन धर्म के अनुसार हमारा संस्कार हो, अंतिम संस्कार के लिए उनकी बेटी भारत आती है। मैं दस्तक मीडिया की तरफ से उस बेटी को प्रणाम करता हूं, उस मां को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए और उस बेटी ने उस संस्कार को समाहित करके मां को अंतिम विदाई दिया। कर वीडियो से देख सकती थी और भी कई व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन वो भारत आई केवल इसलिए कि मां की इच्छा को पूरा कर सके। ये अंक उन्हें समर्पित करते हुए आज मैं विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो